मॉर्निंग स्टूडेंट साइंस क्लास सेवन क्लास एट चैप्टर सेवन और सेशन फर्स्ट एट क्लास का अपन सेवेंथ चैप्टर देख रहे हैं पौधे और जंतुओं का संरक्षण। किस प्रकार से प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं, किस प्रकार से उनका जैविक और अजैविक घटकों के साथ में सामंजस्य होता है, किस प्रकार से खाद्य श्रृंखला के द्वारा हमारा जो जैव मंडल है वो किस प्रकार से संरक्षित रहता है, एक दूसरे पर किस प्रकार से हम एक दूसरे के ऊपर निर्भरता रहती है, इन सब बातों के ऊपर इस लेसन में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपन शुरू करें वनोन्मूलन। वनोन्मूलन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, वन प्लस उन्मूलन। हम जनरली देखते हैं कि पेपर वगैरह में आता है कि भारत में कुष्ठ रोग उन्मूलन प्रोग्राम चलाया गया है, पोलिया या पोलियो रोग उन्मूलन प्रोग्राम चलाया गया। उन्मूलन का मतलब होता है किसी भी चीज को जड़ से खत्म करना या नष्ट करना। तो वन उन्मूलन का मतलब यही है कि वनों को समाप्त करना, यानी कि पेड़ों को काटना और उसको जड़ों से नष्ट करके उस भूमि का उपयोग किसी अन्य कार्यों में करना। जैसे कि कहीं पर एक पेड़ लग रहा है, वहां से उसको काट कर वहां पर अगर पक्का सीमेंटेड कुछ करके फर्सी लगा दी जाती है या कमरा बना दिया जाता है, तो उस जमीन पर अब और वृक्षारोपण नहीं हो सकता। इस प्रकार से वृक्ष को जड़ से खत्म करना वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन क्यों किया जाता है, तो इसके कारण है सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि। हर कारण जो है वो जनसंख्या वृद्धि के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि कृषि योग्य भूमि के लिए वनोन्मूलन करना। अब कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता क्यों है, जनसंख्या वृद्धि होने से अनाज दाल यानी कि खाद्यान्न की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है और उस मांग की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक फसल को उगाना आवश्यक हो गया है। इस कारण से हम क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियां बड़े बड़े जंगल को खत्म करके वहां पर खेती की जा रही है और वनोन्मूलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। घर या कारखानों के निर्माण में वापस हुई बात है, जनसंख्या वृद्धि होने से लोगों को रहने के लिए घरों की आवश्यकता होती है, साथ ही उनको आर्थिक दृष्टि से काम करने के लिए किसी न किसी रोजगार की आवश्यकता होती है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां कारखाने लगाती है और उसमें वर्कर्स को काम दिया जाता है। कारखानों के स्थायित्व के लिए या स्थापित करने के लिए वनों को काटा जा रहा है। फर्नीचर बनाने में ईंधन के रूप में आज भी भारतीय परिवेश में बहुत सारे ऐसे जनसंख्या है, ऐसी आबादी है जो ईंधन के रूप में लकड़ी को जलाती है और भोजन पकाने में या अन्य कार्यों में उसका उपयोग करती है। दावाना या सूखा होने से या तो जंगल की आग लग जाती है किसी कारण से, या तो अत्यधिक गर्मी होने से या मानवीय क्रियाकलाप के कारण जंगल में आग लग जाती है, या बहुत ज्यादा बारिश कम होती है तो सूखा पड़ जाता है, इस कारण से भी वनोन्मूलन को बढ़ावा मिल रहा है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये सारे कारण जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपके जनसंख्या वृद्धि के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है उतनी ज्यादा व्यक्तियों को रहने के लिए आवास की आवश्यकता, खाने के लिए भोजन की आवश्यकता और इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति क्या कर रहे हैं, बड़े से बड़े बिल्डर्स जो है वो बड़े से बड़े जंगल को खत्म कर रहे हैं और येन केन प्रकरण क्या कर रहे हैं, वहां पर रहने के लिए घर बना रहे हैं या फैक्ट्रियां लगा रहे हैं जिससे कि उनको भी कुछ आर्थिक दृष्टि से लाभ हो सके। वनोन्मूलन के परिणाम क्या है, प्रदूषण में वृद्धि। सबसे पहले आपको पता है कि पेड़ पौधे जो है वो पर्यावरण को संतुलित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा को बैलेंस करते हैं। कैसे, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं यानी कि छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। दोनों क्रियाएं दिन में जब एक साथ चलती है तो ऐसा है कि ऑक्सीजन ही लेकर ऑक्सीजन ही छोड़ी जा रही है, तो पर्यावरण को अच्छा बनाने में, पर्यावरण को अच्छा ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करने में, संतुलित करने में पेड़ पौधों का बहुत बड़ा अहम योगदान है। और जब ऐसा नहीं हो रहा है, पेड़ पौधों की संख्या में कमी होती जा रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो वातावरण में या वायुमंडल में निरंतर बढ़ती जा रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में ज्यादा बढ़ जाती है तो पूरे वायुमंडल को एक कंबल की भांति घेरती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विशेषता होती है कि वह सूर्य से आने वाली किरणों को पुनः अंतरिक्ष में जाने से रोकती है, यानी कि उसको पृथ्वी पर ही रहने देती है। इस कारण से पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, जिसको अपन क्या कहते हैं, वैश्विक उष्मन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पूरे पृथ्वी के तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जिससे आर्कटिक जोन पर या जितने भी ध्रुवीय क्षेत्रों में
बर्फ जमी हुई है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर के पिघलने से समुद्री तटीय क्षेत्र में पानी में या जल के उसमें निरंतर वृद्धि होती जा रही है, जल के स्तर में बढ़ोतरी होती जा रही है और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जो तटीय क्षेत्रों पर बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज बसी हुई है, हो सकता है वो डूबने के कगार पर आए, जैसे कि मुंबई, कलकत्ता इत्यादि। तो प्रदूषण में वृद्धि यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का होना और उसी से फिर तटीय क्षेत्रों में भौम जल स्तर में या तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है भौम जल स्तर में निम्नीकरण। पेड़ पौधे क्या करते हैं, भूमि में, भूमि जहां पर पेड़ पौधे लगे हैं वहां पर कच्चा होगा, कभी भी सीमेंटेड जगह पर पेड़ पौधे नहीं लगते हैं, तो उनकी जड़ें जब भूमि के अंदर जाएगी तो भूमि की मिट्टी को पोकल बनाती है या उसको थोड़ा सा छिद्रमय बनाती है, जिससे बारिश का जल जो है वो उसमें आसानी से प्रवेश करता है और स्थायित्व को प्राप्त करता है। इस तरह से भौम जल, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो भौम जल स्तर में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। प्राकृतिक असंतुलन, मैंने आपको अभी बताया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। दूसरा, अगर अपन इसका अप्रत्यक्ष रूप से इसका इनडायरेक्टली इफेक्ट देखें तो पेड़ पौधे जो है वो बहुत सारे जीव जंतुओं को आवास प्रदान करते हैं, घोंसले बनाते हैं बहुत सारे जीव जंतु, साथ ही भोजन प्रदान करते हैं। जब वृक्ष नहीं होंगे तो पक्षियों को या अन्य जीव जंतुओं को रहने का स्थान नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा और उनकी संख्या में निरंतर कमी होती जाएगी। अगर एक प्रकार के जीवों की संख्या में कमी हो गई तो जो उसको खाता है उस जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से पूरी खाद्य श्रृंखला जो है वो क्या हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी, जिससे प्राकृतिक असंतुलन बढ़ेगा। वर्षा व भूमि की उर्वरता में कमी, वर्षा में भी कमी आ जाएगी पेड़ पौधे नहीं होने से और भूमि की उर्वरता में भी कमी हो जाएगी, क्योंकि अगर वर्षा नहीं हो रही है और पेड़ पौधे जो है वो नहीं उग रहे हैं तो पेड़ पौधे जो है वो मृदा अपरदन को रोकते हैं, यानी कि पेड़ पौधों की जड़ें जो है वो मिट्टी को बांधे रखती है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत नहीं हटती है, ह्यूमस की मात्रा में कमी नहीं आती। लेकिन पेड़ पौधे नहीं होने से मिट्टी की ऊपर की परत वर्षा जल के साथ बह जाएगी और चट्टाने निकल जाएगी, जिससे भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। बाढ़ सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, असंतुलित, अगर पर्यावरण पूरी तरह से असंतुलित हो गया तो हो सकता है कहीं पर तो बहुत ज्यादा अतिवृष्टि हो जाए और बाढ़ आए और कहीं पर बिल्कुल सूखा रहे, और धीरे धीरे यही सूखा अगर साल दर साल बढ़ता जाता है तो मरुस्थलीकरण बढ़ता जाता है। मरुस्थलीकरण किसको कहते हैं, पेड़ पौधों की संख्या में कमी आने से धीरे धीरे वहां की जमीन का बंजर होना, रेतीली होना, उस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, मरुस्थलीकरण होना। वनोन्मूलन किसे कहते हैं, इसके कारण उसके परिणाम देखें। वनोन्मूलन को रोकने के क्या उपाय हैं, तो रोकने का उपाय है पुनर्वरोपण, यानी कि वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना, यहाँ तक कि जब तक हम जितने वृक्षों को काट रहे हैं इवन उतने वृक्षों को तो हमें लगाना ही चाहिए, चाहे आप आपके जन्मदिन पर लगाओ, चाहे आप आपकी मैरिज एनिवर्सरी पर लगाओ या किसी की पुण्यतिथि पर लगाओ, हमें भी हमारे जीवन में प्रति वर्ष कम से कम एक वृक्ष तो लगाना चाहिए। तो इसका उपाय है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, समाज को जागृत करना, समाज को जागृत करने के लिए मीडिया का सहारा ले सकते हैं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, पोस्टर्स लगा सकते हैं और सरकारी आदेशों के अनुसार जितनी भी योजनाएं हैं सरकार भी अपने प्रयास पर उसको सुचारू रूप से क्रियान्वयन करें और लोगों में जागरूकता बढ़ाएं। नवीन अभियान चलाना, आपको पता होगा राजस्थान का पिपला की गांव जो है वहां पर नवीन अभियान चलाया गया है कि प्रत्येक पुत्री के जन्म पर उस गांव के लोग 1100 वृक्ष लगाते हैं। अब आप सोचिए इसमें दो चीजें हो रही है, वृक्षारोपण को भी बढ़ावा मिल रहा है और बेटी बचाओ को भी बढ़ावा मिल रहा है, तो हमें भी इस तरह की योजनाएं अपने स्तर पर चलानी चाहिए और लोगों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही भारतीय वन संरक्षण अधिनियम जो है, जो कि वनों को उनकी प्राकृतिक आवासों में सुरक्षित रखने का कार्य करता है, इसके अनुसार भी लोगों को जागरूक होना चाहिए और इससे जो जुर्माना है वो भी सरकार को पूरी तरह से वसूलना चाहिए ताकि लोग इस तरह की हरकत न करें। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ पर सजीव आराम से रहते हैं और अपनी सुख सुविधाओं का सही प्रकार से उपयोग कर लेते हैं, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका जैव मंडल कहलाता है। जैव विविधता किसको कहते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में विविधता। पृथ्वी पर आप देखते हैं अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो ये जो विविधताएं पाई जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, जैव विविधता।
जीवों की प्रजातियां और उनके पारस्परिक संबंध और पर्यावरण में उनका संबंध बताती है ये जैव विविधता। अब जीवों की प्रजातियां, बार बार प्रजाति शब्द का यूज कर रहे हैं। प्रजातियां क्या होती है? विशिष्ट प्रकार के ऐसे जीव जिनके लक्षण समान हो और जो आपस में जनन क्रिया के दौरान संतान उत्पत्ति करने की क्षमता रखते हैं प्राकृतिक रूप से, ऐसे सारे जीव जो है वो एक प्रजाति के अंदर रखे जाते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं वन और वन्य जीव संरक्षण में किस प्रकार वनों को और उनके जीवों को संरक्षित करना चाहिए। उसमें कुछ सरकार के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के क्षेत्र घोषित किए गए हैं, उसमें अपन पढ़ रहे हैं वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, नेक्स्ट है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, और यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं जू। नेक्स्ट पढ़े कि वन्य जीव अभयारण्य क्या होते हैं। सरकार के द्वारा घोषित ऐसे क्षेत्र जो प्राकृतिक रूप से जंगली जंतुओं, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को उनके आवासों में बिना किसी कह सकते हैं बिना किसी अभाव के या बिना किसी डिस्टर्बेंस के रह सकते हैं, ऐसे सारे क्षेत्र क्या कहलाते हैं आपके वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। यहाँ पर किसी भी मानव प्रजाति के रहने के लिए परमिशन नहीं होती है, शिकार नहीं कर सकते और आप किसी प्रकार का कोई भी समारोह का आयोजन इस क्षेत्र में नहीं कर सकते। राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं ये आपके नेशनल सेंचुरी जिसको कहा जाता है, इसमें भी प्राकृतिक क्षेत्र में कुछ बिना किसी डिस्टर्बेंस के जीव जंतु रह सकते हैं और यहाँ पर जीव जंतु और पेड़ पौधों के संरक्षण के आधार पर के साथ ही कुछ ऐतिहासिक स्थलों को भी इसमें संरक्षित किया जाता है और कुछ ऐसा भाग होता है जिसमें जनरली लोगों का आवागमन जो होता है वो हो सकता है, अन्य क्षेत्र में किसी प्रकार का मानवीय क्रियाकलाप निषेध रहता है। जैव मंडल आरक्षित वन्य जीव अभयारण्य बड़े क्षेत्र में हो सकता है, किसी एक वन्य जीव अभयारण्य में नेशनल सेंचुरीज भी हो सकती है, जैसे कि पंचमढ़ी वन्य जीव उद्यान जो है वहां पर आपके नेशनल सेंचुरी से सतपुड़ा जो है हो सकता है। हमारे यहाँ भी राजस्थान में भरतपुर का जो घना पक्षी विहार था पहले अभयारण्य था और अब उसको नेशनल उद्यान के रूप में विकसित कर दिया गया है। हमारे उदयपुर में भी है सज्जनगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है, सज्जनगढ़ अभयारण्य जो है वो हमारे उदयपुर में है, जो कि वहां पर बहुत सुंदर एक ऐतिहासिक महल बना हुआ है जिसको मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। विशेष क्षेत्र स्पीशीज पढ़े, इससे पहले जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के क्षेत्र को चिन्हित कर दिया जाता है सरकार के द्वारा और वहां पर किसी प्रकार की मानवीय क्रियाकलाप हो सकता है, लेकिन कौन से जो आदिवासी लोग होते हैं जो उस क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली मानवीय प्रजाति है वो ही वहां पर निवास कर सकती है और जीव जंतुओं को संरक्षित करती है। जू जो है वहां पर इन तीनों में अंतर है, जू से यहाँ पर प्राकृतिक आवास में जीव जंतु रह सकते हैं लेकिन जू जो है वहां पर प्राकृतिक आवास नहीं बनाकर कृत्रिम आवास में जीव जंतुओं को उनके अनुसार रहने की छूट देना। यहाँ पे मानवीय गतिविधियां बहुत ज्यादा होती है, आप लोग भी कभी किसी जू में गए होंगे देखा होगा किस प्रकार से पिंजरे में जंगली जानवर जो है वो रहते हैं। नेक्स्ट है वनस्पति जात, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जो होते हैं वो वनस्पति जात कहलाते हैं और जो जंतु होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं प्राणी जात कहते हैं। विशेष क्षेत्र स्पीशीज पौधे और जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है, अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, उसको अपन यहाँ से ले जाके वहां रखना चाहे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से जिस क्षेत्र में विशेष प्रकार के जंतु या पादपों की प्रजाति पाई जाती है उस क्षेत्र को विशेष क्षेत्र स्पीशीज कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर प्रतापगढ़ में सीता माता अभयारण्य जो है उसमें उड़न गिलहरी पाई जाती है जो कि काफी फेमस है। इसी प्रकार से पंचमढ़ी जैव मंडल में साल और जंगली आम के वृक्ष जो है वो विशेष क्षेत्र स्पीशीज है और जंतुओं में भारतीय विशाल गिलहरी जो कि इसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा संकट्टा पर्ण जंतु या स्पीशीज, वे जंतु जिनकी संख्या जो है वो विलुप्त होने के कगार पर है, यानी कि निरंतर जिनकी संख्या में कमी आ रही है और एक समय ऐसा आएगा कि हो सकता है कि वो इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाए। जैसे कि आपको पता होगा डायनासोर विलुप्त प्रजाति है, कहते हैं पहले डायनासोर हुआ करते थे, धीरे धीरे उनकी संख्या में कमी आई और आज वो जो है वो विलुप्त प्राणी की श्रेणी में आ गया है। संकटापन्न का मतलब विलुप्त नहीं, वर्तमान में तो उनकी कुछ संख्या में प्रजाति है लेकिन उनका प्रॉपर संरक्षण नहीं किया जाए तो हो सकता है आने वाले समय में वो विलुप्त हो जाए। जैसे हमारे राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावर, ये विलुप्ति के कगार पर है। इस प्रकार से एशियाटिक शेर, टाइगर,
इसीलिए सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से प्रोजेक्ट चलाया था जिसमें टाइगरों के संरक्षण के लिए और उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए विशेष प्रकार के प्रजनन केंद्र की स्थापना की और इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला और भारत में बाघों की संख्या में अभी वृद्धि दिखाई दे रही है। रेड डाटा बुक ऐसी पुस्तक है जिसमें संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है कि ये प्रजाति जो है वो क्या है, संकटापन्न स्पीशीज है। प्रवास किसे कहते हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण किसी पक्षी का या पक्षियों की किसी प्रजाति का दूर एक देश से दूसरे देश तक जाना, वहां पर उनके वातावरण के अनुसार जनन प्रक्रिया करना और पुनः बच्चे बड़े होने के बाद अपनी जगह पर लौटना, ये प्रक्रिया प्रवास कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल है साइबेरियन सारस क्रेन जो कि भरतपुर के घना पक्षी विहार में आते हैं, क्योंकि जहां से आते हैं साइबेरिया से वहां का जलवायु बहुत कम है, तापमान कम होने से उनके वहां पर जनन प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती, अतः वो यहाँ आते हैं और वहां पर बहुत अच्छा साइबेरियन सारस का म्यूजियम बना हुआ है भरतपुर में। और जो पक्षी वैज्ञानिक थे प्रोफेसर डॉक्टर सलीम अली, उन्होंने वहां पर बहुत सारा वर्क किया है। पारितंत्र किसी क्षेत्र में जैविक व अजैविक घटक क्या कहलाते हैं? पारितंत्र जैविक घटक में आप क्या आएंगे? पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव। अजैविक घटक में वायु, जल और मिट्टी। ओके, किस प्रकार से हमें बचाना चाहिए? कागज भी हमें बचाना चाहिए क्योंकि कागज के निर्माण में वृक्षों का उपयोग होता है। एक टन कागज बनाने में लगभग 17 वृक्षों को काटा जाता है, इसलिए साथ ही कागज बनाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जाएं होती है या जल का जो उपयोग होता है वो भी बच सकता है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा कागज को बचाना चाहिए और रीयूज करना चाहिए, वापस उसका पुनः उपयोग भी कर सकते हैं, रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं। और किस प्रकार से हमें आर थ्योरी का उपयोग करना चाहिए? आर थ्योरी जो है वो आपकी जनरली रिड्यूस, रीयूज, रीसाइक्लिंग और रिकवर, इस प्रकार से चारों आर का उपयोग करते हुए हमें धीरे धीरे कागज का उपयोग, वैसे अभी तो पेपरलेस काम हो गया है, गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं हैं, फिर भी हमें किताबें, कॉपी और कागज का उपयोग जो है वो कम करना चाहिए। इस प्रकार से इस चैप्टर में हमने देखा किस प्रकार से प्रकृति को संरक्षित करने के लिए हमें जंतुओं और पादपों का संरक्षण करना आवश्यक है और हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि प्रकृति जो है वो क्या रहे, संतुलित रहे। अगर हम प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्रकृति हमें विनाश की ओर ले जाने का प्रयास करेगी। तो हमें भी हमारे जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब हमें आवश्यकता होगी कि हो सकता है कि काश हमने पेड़ लगा दिए होते। तो अधिक से अधिक अपने जन्मदिन पर अपने घरों में कोई अच्छी खुशी वाली बात है तो हमें उस समय वृक्षारोपण करना, उस वृक्ष को जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसकी देखभाल करनी चाहिए। और हमने इस चक्र में जो पढ़ा वनोन्मूलन के कारण, प्रभाव रोकने के उपाय और वन्य जीव अभ्यारण, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। आपको एक काम करना है, आज आपको अपने राज्य में या अपने जिले में या अपने शहर में अगर कोई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र या राष्ट्रीय उद्यान या कोई अभ्यारण है तो उसकी लिस्ट आपको अवश्य बनानी है। आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।